अगले साल भी तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, यानी एक एक पैसे से मोहताज हो गए, जो बैंकों में पैसा था उसी से घर चलाया गया। और इस बार भी अब देखिए यही पोजीशन आ रही है कि रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया, इससे हम लोग को काफ़ी नुकसान होगा। अगर ये कंटिन्यू रहा, मतलब शादी विवाह जो मेन जो तारीखें आएंगी, अगर ये जारी रहा तो क्या असर पड़ेगा? तो वैसा कंगाली छा जाएगी, बिल्कुल भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इनको योगी जी को सोचना चाहिए कि हम लोग कुछ ख्याल रखें बैंडालों का। हमारे साथ में बहुत छोटे छोटे लोग काम करते हैं, अगर आने वाले टाइम में ही मार्केट बंद हो जाएगा, शादी ब्याह नहीं होंगे या कम लोगों में होंगे, तो उन लोगों को रोजी रोटी कैसे मिलेगी? ठीक है कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसके साथ अगर शादियां भी होंगी तो लोगों के परिवार चलेंगे, अगर ऐसा नहीं लगेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बाकी व्यापार में 50% से ज़्यादा व्यापार कम हो चुका है, अगर ये समस्या आएगी ना तो आने वाले समय में व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, लेकिन क्या करें। जी कोरोना जिस तरह से पिछले साल भी रहा और अभी जारी है, किस तरह का नुकसान हो रहा है? नुकसान तो यही हो रहा है, 200 से 2500 रुपये पर डे तक का दाना आता है इनका राशन पानी, 15 से 20 घोड़े हैं, और फिर बग्गी का पेंट है, डेंट है, बाकी जो लेबर लोग हैं इनका खर्चा, खाना खर्चा, टोटल मिला के तो नुकसान ही है। पिछले साल भी ऐसे ही गया था, इस साल भी यही आ रहा है।